अब्दुल अलीम खान के खिलाफ पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां। मुस्लिम लीग नून की रुकन सुमैरा कोमल ने पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी है। करारदाद में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत अब्दुल अलीम खान के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज कर रही है और गैर कानूनी छापे मारे जा रहे हैं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी से। अब्बास बताइए क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, साबिक सीनियर सूबाई वजीर अलीम खान के खिलाफ पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई के खिलाफ पंजाब असेंबली में आज एक करारदाद जमा कराई गई है और ये करारदाद जो है मुस्लिम नून की रुकन सुमैरा कोमल की जानिब से जमा करवाई गई है। इस करारदाद का मतलब यह है कि ये ऐवान साबिक सीनियर सूबाई वजीर अलीम खान के खिलाफ पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करता है। पंजाब हुकूमत अलीम खान के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज कर रही है। पंजाब पुलिस की जानिब से अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी पर छापे मारे जा रहे हैं। इसके साथ इसमें यह भी कहा गया है कि सियासी मुखालफत की बिना पर अपने हरीफों को निशाना बनाना बाइस तशवीश है। अलीम खान साबिक रुकन पंजाब असेंबली है, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों से उनके जो वोटर्स हैं उनको इश्तियाल दिलाया जा रहा है। इसमें यह भी मुतालबा किया गया वज़ीर-ए-आला पंजाब से कि सीनियर सूबाई वजीर जो है अलीम खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का वज़ीर-ए-आला पंजाब जो नोटिस लें और इस हवाले से जो है इसके हवाले से कार्रवाई भी की जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए।